हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है उसको हम वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंटोन वन लीवेनहॉफ 1677 सी द माइक्रोब्स इन सिंपल माइक्रोस्कोप वन लेंस। जो एंटोन वन लीवेनहॉफ थे उन्होंने क्या किया, 1677 में सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर क्या देखे थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे। एंटोन वन लीवेनहॉफ वाज ए क्लॉथ मर्चेंट इन होलैंड। जो एंटोनी वन लीवेनहॉफ थे वो क्या थे, क्लॉथ मर्चेंट थे होलैंड के। ही टुक द स्क्रफ फ्रॉम रूट ऑफ डिकेड टूथ। इन्होंने क्या किया, स्क्रफ लिया रूट ऑफ डिकेड टूथ से एंड मिक्सड विद क्लीन वाटर एंड शार द मोबिलिटी ऑफ एनिमल क्यूज। और इन्होंने किसको किसके साथ मिक्स किया, क्लीन वाटर के साथ मिक्स किया और उन्होंने क्या देखी, एनिमल क्यूज की मोबिलिटी देखी। एंटोन वन लीवेनहॉफ डिस्कवर्ड मेजर क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा, एल्गा, यीस्ट, इरिथ्रोसाइट एंड स्पर्मेटोजोवा। जो एंटोन वन लीवेनहॉफ थे उन्होंने मेजर क्लासेस डिस्कवर की जो कि थे बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा, एल्गी, यीस्ट, इरिथ्रोसाइट और स्पर्मेटोजोवा। विर्गिल ऑल्सो गिव ओपिनियन फॉर आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। जो विर्गिल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, ओपिनियन दिया था फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। जो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है उसको हम जो दूसरी क्लास करेंगे उसके अंदर डीप पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। सेकेंड है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट दैट माइक्रोब अराइज ऑटोमेटिकली इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला था साइंटिस्ट ने कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर से। जोहन नीडम 1748 स्टेट डेट ऑर्गेनिज्म अपेयर्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड मीट। जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से अपेयर हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड मीट से। ये किसने बोला था, जोहन नीडम ने बोला था। लेजेरोस प्लेंजिनी 1729 से लेके 1799 इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ स्टेराइल कल्चर मीडिया। इन्होंने क्या किया था, स्टाइल कल्चर मीडिया को इंट्रोड्यूस किया था। फ्रेंच साइंटिस्ट निकोलस अपार्ट गोट नोबल प्राइज फॉर द डेवलप द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय कैनिंग। इन जो निकोलस अपार्ट थे उन्होंने क्या किया था, कैनिंग के बारे में बताया था, मतलब कैनिंग को डेवलप किया था। कैनिंग क्या है, एक प्रिजर्वेशन की टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, छोटे छोटे डब्बों के अंदर, मतलब जो डब्बे हैं उनके अंदर हम जो हमारा फूड मटेरियल है उनको स्टोर करके रखते हैं और उनका जो लाइफ टाइम है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब वो इरा है जहाँ से लुईस पाश्चर और रोबोट कोच का काम शुरू हुआ था। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टेड विद द वर्क ऑफ लुईस पाश्चर एंड रोबोट कोच। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश बिटवीन 1862-1910। जो गोल्डन एज है माइक्रोबायोलॉजी की वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1860 से लेके 1910 तक। लुईस पाश्चर परफॉर्म स्वान लेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट एंड ही शोड दैट बॉइल्ड मीडियम कुड रिमेन क्लियर द स्वान लेक फ्लास्क। जो लुईस पाश्चर थे उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था। पाश्चर इन 1864 डिस्कवर ए स्टेटमेंट लाइफ इज ए जम एंड जम इज ए लाइफ। जो लुईस पाश्चर थे उन्होंने 1864 में यह एक स्टेटमेंट डिस्कवर की थी कि जो लाइफ है वो क्या है, जम है और जम है वही क्या है, लाइफ है। फ्रेडरिक कोहन 1876 स्टडीड द बायोलॉजी ऑफ द बेसिलाई। फ्रेडिनन जोहोन 1977 डिमोस्ट्रेट दैट रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ ए स्मॉल एंडोस्पोर ए स्पेशल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ बैसिलस सबटाइलस। जो फ्रेडिनन जोहोन थे उन्होंने क्या किसके बारे में बताया था, एंडोस्पोर के बारे में बताया था। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं हीट से। ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा हाईली रेजिस्ट स्पोर्स होते हैं एंडोस्पोर्स। जो मेंडिसुकेट नाम का जो हमारा बर्गेस मैनुअल के अंदर वो आता है एक फाइलम, उसके अंदर जो एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं हम उनको पढ़ते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं
स्पोर आर रीडली स्टेरलाइज एट 120 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। जो स्पोर्स हैं उनको हम कितने उस पर स्टेरलाइज कर सकते हैं टेम्परेचर के ऊपर, 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टेरलाइज करते हैं। पाश्चर 1857 ऑब्जर्व यीस्ट सेल एसोसिएटेड इन एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन रोड शेप्ड बेसिलाई लैक्टोबैसिलस एसोसिएटेड इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पाश्चर ने 1857 में क्या ऑब्जर्व किया, जो यीस्ट सेल है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन के साथ, और जो लैक्टोबैसिलस हैं वो कहाँ पे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के साथ। पाश्चर डेवलप द प्रोसीजर ऑफ जेंटल हीटिंग दैट इज पाश्चराइजेशन टू प्रिवेंट द स्पॉयलेज ऑफ बियर एंड वाइन बाई अनडिजायर्ड माइक्रोब्स। जो पाश्चर थे उन्होंने क्या डेवलप किया था, पाश्चराइजेशन की टेक्निक को डेवलप किया था फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्पॉयलेज ऑफ बियर एंड वाइन बाई अनडिजायर्ड माइक्रोब्स। सबसे पहले जो पाश्चर थी उन्होंने किसकी फर्मेंटेशन की थी, उन्होंने फ्रूट जूसेस की फर्मेंटेशन की थी। अब हम देखते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। लुईस पाश्चर एंड रोबोट कोच स्पोर्ट द जर्म थ्योरी। जो लुईस पाश्चर थे और रोबोट कोच थे वो स्पोर्ट करते थे जर्म थ्योरी को। एडवर्ड जेनर 1976 इंट्रोड्यूस्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स यूजिंग ए मटेरियल फ्रॉम लेजिंस ऑफ स्मॉलर डिजीज इन कैटल। जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने 1976 में वैक्सीनेशन को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अब इन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो लोग थे उनके अंदर स्मॉल पॉक्स नाम की जो बीमारी है, मतलब जिसको हम माता भी बोलते हैं, वो क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो इन्होंने देखा कि जो मिल्क मैन है, मतलब जो मिल्क निकालने वाले हैं, उनके वो जो जिनके भी घर पे गाय भैंस हैं, जो गाय का दूध या भैंस का दूध निकाल रहे हैं, उनके वो बीमारी नहीं हो रही। अब उन्होंने ये देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो काऊ हैं उनके अंदर डिजीज़ होती है काऊपॉक्स, काऊपॉक्स नाम की डिजीज़ होती है। तो जो गवाले थे दूध निकालने वाले वो उससे क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए, मतलब उनके अंदर पहले से ही उसके लिए क्या बन गई, एंटीबॉडीज बन गई। तो वो उस डिजीज़ से क्या बच गए, स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ से वो बच गए। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, जो काऊपॉक्स थे उसके पिस्टूल्स ले लिए और उनको क्या कर दिया, जो ह्यूमन जिससे इन्फेक्ट थे उनके अंदर क्या कर दिए, इंजेक्ट कर दिए। तो उनके अंदर क्या होगी, एंटीबॉडी बन गई और वो उनसे क्या हो गए, डिजीज़ से प्रिवेंट हो गए। तो जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने 1976 में इंट्रोड्यूस्ड की थी वैक्सीनेशन। इन 1867 जोसेफ लिस्टर इंट्रोड्यूस्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी ऑन द बेसिस ऑफ एयरबोर्न माइक्रोब्स। 1867 में जो जोसेफ लिस्टर थे उन्होंने सबसे पहले क्या की थी, एंटीसेप्टिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस्ड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एयरबोर्न माइक्रोब्स। अब जो जोसेफ लिस्टर थे उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस्ड किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस्ड किया था, लेकिन यूज़ क्या किया था, उन्होंने कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया था। कार्बोलिक एसिड इज ए फिनोल। नेक्स्ट हम देखते हैं एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड वर फंजाई। ऑगस्टिन ओड बासी 1836 डिमोस्ट्रेट दैट ए फंगस वाज द कोज ऑफ डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म। ऑगस्टिन ओड बेसी ने क्या देखा था 1836 में, जो फंगस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द सिल्कवॉर्म डिजीज। डिजीज कॉजिंग एबिलिटी एटियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया वर एस्टेब्लिश बाई कोज फॉर एंथ्रेक्स। सबसे पहले जो रोबोट कोच थे उन्होंने 1876 में क्या देखा था, जो बैसिलस एंथ्रेक्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंथ्रेक्स की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्योर कल्चर प्रिपरेशन इज द की आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कोच परफेक्टेड द टेक्निक टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बाई यूजिंग द सोलिड मीडिया एंड द यूज ऑफ स्टेन। जो कोच हैं उन्होंने किसका यूज़ किया था, सोलिड मीडियम का यूज़ किया था और यूज़ किया था स्ट्रेन को। कोच गिवन पोस्टुलेट आफ्टर डिस्कवरिंग द ट्यूबरक्यूल बैसिलस। मतलब जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो ट्यूबरक्यूल बैसिलस है वो किसने डिस्कवर किया था, कोच ने डिस्कवर किया था। वो जो कोच हैं उन्होंने कौन कौन सी वैक्सीन्स दी थी, इसको हम याद कर सकते हैं CAT से, कोलेरा, एंथ्रेक्स और ट्यूबरक्लोसिस। इनकी वैक्सीन्स किसने, इनको किसने डिस्कवर किया था, इनको डिस्कवर किया था रोबोट कोच ने।
नेक्स्ट हमारे हैं कोच पोस्टुलेट्स। ट्यूबरक्यूल वैसिलस को डिस्कवर करने के बाद जो कोच थे उन्होंने क्या दिए थे, कोच पोस्टुलेट्स दिए थे। द ऑर्गेनिज्म इज रेगुलरली फाउंड इन द लेजेंस ऑफ द डिजीज, इट कुड बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर। जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रेगुलरली फाउंड होते हैं, इन द लेजेंस ऑफ द डिजीज, उनको हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं प्योर कल्चर में। इनोकुलेशन ऑफ दिस कल्चर प्रोड्यूस्ड सिमिलर डिजीज इन एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। मतलब अगर हम एक एनिमल से क्या करते हैं, कोई भी डिजीज़ है, जो डिजीज़ क्या ले ली वहाँ से हमने आइसोलेट कर ली, उसको हमने क्या कर दिया, आइसोलेट किया प्योर कल्चर के ऊपर। अब इसको हमने क्या किया, दूसरे एनिमल के अंदर किसी के अंदर डाली, तो जो ये एनिमल है उसके अंदर भी क्या हो जाएगी, सेम डिजीज़ हो जाएगी, उन्होंने ये बोला। अब हम देखते हैं वायरल डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन। द डिस्कवरी ऑफ द वायरस एंड देयर रोल इन डिजीज वॉज मेड पॉसिबल व्हेन चार्ल्स चैम्बरलैन एसोसिएट ऑफ पास्चर कंस्ट्रक्टेड ए प्रोसिलीन बैक्टीरियल फिल्टर इन 1884। अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रोसिलीन बैक्टीरियल फिल्टर की डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी चार्ल्स चैम्बरलैन ने 1884 में। और 1884 में ही जो चार्ल्स चैम्बरलैन थे उन्होंने ऑटोक्लेव की डिस्कवरी की थी। द फर्स्ट वायरस टू बी रिकॉग्नाइज फिल्ट्रेबर वॉज TMB डिस्कवर्ड बाई रशियन नेम्ड इवानोवस्की 1882 बाई द बेजरिंग 1899 इन होलैंड। जो टोबैको मोजेक वायरस है वो किसने डिस्कवर किया था, इवानोवस्की ने और बेजरिंग के नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इन द ईयर ऑफ 1882 में। किसने किया था, इवानोवस्की ने किया था और 1899 में बेजरिंग क्या ने किया था। फिल्ट्रेबल एनिमल वायरस वॉज डिस्कवर्ड फॉर फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल बाई होफलर एंड फ्रोश। जो होफलर और फ्रोश थे उन्होंने क्या किया, फिल्ट्रेबल एनिमल वायरस को डिस्कवर किया था फॉर द फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल। ह्यूमन वायरस फॉर येल्लो फीवर डिस्कवर्ड बाई US आर्मी कमीशन। जो ह्यूमन वायरस है येल्लो फीवर के लिए वो किसने डिस्कवर किया था, US आर्मी कमीशन ने डिस्कवर किया था। टीवोट एंड इन इंग्लैंड एंड डी हर्ले इन फ्रांस 1916 एंड 1970 डिस्कवर्ड वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इन बैक्टीरियोफाज। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियोफाज को डिस्कवर किया था। बैक्टीरियोफाज इज ए वायरस। जो बैक्टीरियोफाज है इसके अंदर दो साइकिल चलती हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल हम पढ़ते हैं। जो ये बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। मतलब बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर सबसे पहले अटैचमेंट शो करता है, फिर अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करने के बाद इसके अंदर असेंबली होती है, सिंथेसिस होती है और फिर क्या हो जाती है, लाइसिस हो जाती है। तो जब लाइसिस होती है तो वहाँ से क्या होते हैं, एक कंप्लीट वायरस, मतलब क्या होता है, रिलीज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं विरियोन्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, विरियोन्स मिलते हैं। व्रियोन्स है वो एक इन्फेक्टेड सेल्स हैं। अब क्वेश्चन आता है, जो टी वोट थे उन्होंने क्या किया, जो टी वोट थे उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया को। ये मैकेनिज्म किसने देखा था, टी वोट ने देखा था। और डी हर्ले ने क्या किया था, डी हर्ले ने जो बैक्टीरियोफाज की टर्म थी वो क्या की थी, डिस्कवर की थी। बैक्टीरियोफाज की टर्म किसने दी थी, डी हर्ले ने दी थी। और टी वोट ने मैकेनिज्म दिया था कि जो बैक्टीरियोफाज है वो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। प्लेग ऐसे के बारे में भी डी हर्ले ने ही बताया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस वॉज मेड बाई स्टेनले इन 1935। जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस है वो सबसे पहले किसने बताया था, वो बताया था स्टेनले ने 1935 में। एमिल बोन बहरिंग एंड किटासाटो यूज इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इनटू रैबिट फॉर एंटीटॉक्सिन प्रोडक्शन, टिटनेस एंटीटॉक्सिन। जो एमिल बोन बहरिंग थे और किटासाटो थे उन्होंने क्या किया, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को यूज किया था। और किसके लिए क्या था, एंटीटॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए क्या था, और वो एंटीटॉक्सिन कौन सा था, टिटनेस एंटीटॉक्सिन। इन 1937 थियोडोर सक्वान 1937 ऑब्जर्व्ड यीस्ट सेल आर एबल टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। 1937 में थियोडोर सक्वान ने देखा था कि जो यीस्ट सेल है वो क्या कर देती है,
एबल है किसमें, शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, इसी को हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब हम देखते हैं रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल इन सोयल डिस्कस्ड बाय सर्गे विनोग्रैड्स्की एंड मार्टिनस बेज़रिंका। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है कार्बन नाइट्रोजन सल्फर साइकिल में, वो किन ने बताया था, विनोग्रैड्स्की और मार्टिनस बेज़रिंका ने बताया था। जो सर्गेई विनोग्रैड्स्की हैं, इन्हीं को सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फादर ऑफ सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। इन्होंने क्या दिए थे, विनोग्रैड्स्की कॉलम के बारे में बताया था, और इन्होंने जो नाइट्रोबैक्टर हैं उनके बारे उनकी डिस्कवरी की थी। कीमोलिथोट्रोप्स बैक्टीरिया सबसे पहले सर्गेई विनोग्रैड्स्की ने ही डिस्कवर किए थे। विनोग्रैड्स्की डिस्कवर डेट सोयल बैक्टीरिया डेट ऑक्सीडाइज सल्फर एंड अमोनिया टू ऑब्टेन एनर्जी, आइसोलेट एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर नाइट्रोबैक्टर्स, स्टडी द कंपोजिशन ऑफ सेलुलोजिक ऑर्गेनिक मैटर, और जो बेज़रिंका थे उन्होंने क्या किया था, अजोटोबैक्टर के बारे में बताया था। अजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर आइसोलेटेड बाय बेज़रिंका। ही ऑल्सो स्टडी आइसोलेटेड रूट नोड्यूलेटिंग बैक्टीरिया राइजोबियम एंड सल्फेट रिड्यूसर्स। राइजोबियम के बारे में, अजोटोबैक्टर के बारे में और सल्फेट रिड्यूसर्स के बारे में किसने बताए थे, बेज़रिंका ने बताया था। बीडल एंड टेटम यूज्ड ब्रेड मोल्ड न्यूरोस्पोरा टू शो जीन म्यूटेशन। जो बीडल और टेटम थे उन्होंने ब्रेड मोल्ड न्यूरोस्पोरा को यूज़ किया था किसके लिए, जीन म्यूटेशन को शो करने के लिए। और वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी थी, 1941 में बीडल और टेटम ने दी थी। एवरी मैकार्टी मैक्लोइड 1944 एविडेंस द डीएनए वाज अ जेनेटिक मटेरियल। एवरी मैक्लोइड मैकार्टी ने 1944 में एविडेंस दिया था कि जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इन 1970 डिस्कवरी ऑफ आरडीटी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज डन। रुशेल वीरलैंड 2003 आइसोलेटेड स्पोर फॉर्मिंग बेसिलस स्पीसीज फ्रॉम 250 ईयर्स ओल्ड सैंपल ऑफ सोल्ट क्रिस्टल। इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट किया था स्पोर फॉर्मिंग बेसिलस स्पीसीज को, और कहाँ से किया था, सोल्ट क्रिस्टल के सैंपल से किया था जो कि 250 साल पुराना था। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये कहाँ पे है, देहरादून है। टोटल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दिल्ली में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये पुणे में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम निन भी बोलते हैं वो हैदराबाद में है। उसके बाद हमारा आता है इंडियन टॉक्सिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा आईआरटीसी लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अक्यूरेंस ऑफ हेल्थ अक्यूरेशन हेल्थ ये अहमदाबाद में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बेंगलोर में है। सेंट्रल सॉल्ट एंड मराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी ये चंडीगढ़ में है। और बोस इंस्टीट्यूट कलकत्ता डेवलप जाइलेनेज एंड बीटा अमाइलेज। रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी ये तिरुवनंतपुरम में है जो कि केरला में। नेक्स्ट है सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश राजमुंद्री में है, राजमुंद्री। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैसूर में है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, यहाँ पे हमने साइंटिस्ट के नाम लिख रखे हैं, ये एरिया ऑफ रिसर्च और ये ईयर। फ्लेमिंग चैन और फ्लोरी इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर की थी पेनिसिलिन की और पेनिसिलिन और इसकी थेरापेटिक वैल्यूज इन द ईयर ऑफ 1945। एम थीलर नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने येलो फीवर की जो वैक्सीन है उसकी डिस्कवरी की थी 1951 में। एस ए वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी की थी 1943 में। एंडर विलर और रॉबिन्स ने क्या किया था, पोलियो वायरस कल्टीवेशन किया था पोलियो वायरस का इन टिश्यू कल्चर इन द ईयर ऑफ 1954। डी वोवेट ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी फर्स्ट हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन की 1957 में। बीडल टेटम और लेडरबग ने माइक्रोबियल जेनेटिक्स के बारे में डिस्कवरी की थी इन द ईयर ऑफ 1958। एस एकोवा और कोर्नबर्ग ने डिस्कवरी की थी एंजाइम कैटालाइजिंग न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इन द ईयर ऑफ 1959। एफ एस सी क्रिक ने डिस्कवरी की थी रिलेटेड टू डीएनए 1962 में। और जैकोब एलोफ और मैनोड इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन्स 1965 में।
हम पढ़ते हैं लैकोप्रोन, ट्रिप्टोफैन, एप्रोन। जो लैकोप्रोन है वो क्या है, हमारे रेगुलेशन ऑफ जीन्स के अंदर ही आता है, जिसकी डिस्कवरी जैकोब मैनोर ने की थी 1965 में। एफपी राउस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी कैंसर वायरस की 1966 में। होले खोराना और नीरनबर्ग, इन्होंने डिसाइफ्रिन और जेनेटिक कोड के बारे में बताया था 1968 में। डेलब्रग, हर्षे और लूरिया, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी कंसर्निंग वायरस एंड वायरल इन्फेक्शन ऑफ सेल इन द ईयर ऑफ 1969। एडलमन और पोर्टर ने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, रिसर्च की थी 1972 में। मिल्सटन, कोलर और जर्ने, इन्होंने क्या बताया था, डेवलप की थी टेक्निक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसको हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इन द ईयर ऑफ 1984। अर्नेस्ट रस्का ने जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी क्या की थी, डेवलपमेंट की थी 1933 में, और 1986 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। टोनुगावा, जेनेटिक प्रिंसिपल फॉर जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक डिस्कवरी, इन्होंने किसके बारे में बताया था, जेनेटिक प्रिंसिपल के बारे में बताया था फॉर द जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी इन द ईयर ऑफ 1987। डेजनहोफर, हूबर एंड नाइकल, इन्होंने क्या बताया था, क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टडी ऑफ द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर फ्रॉम द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन इन द ईयर ऑफ 1988। बायशोफ एंड बर्मस, इन्होंने डिस्कवरी की थी ओंकोजीन्स के 1989 में। एल्टमैन और टी आर कैच ने डिस्कवरी की थी राइबोसाइम की 1989 में। मुलिस और स्मिथ ने पीसीआर टेक्निक की डिस्कवरी की थी एंड डेवलपमेंट ऑफ साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस इन द ईयर ऑफ 1993। लेविस, न्यूलसन और वाइसचेन, इन्होंने क्या किया था, फिजियोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स ऑफ माइक्रोब्स के बारे में बताया था 1995 में। एस डी क्रूजनर, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी प्रियोन्स की, इन्होंने जो प्रियोन्स की डिस्कवरी की थी वो की थी 1982 में, और जो इनको नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था 1997 में। उसके बाद है जे रोबिन वेरिन, वेरी जे मार्सेल, इन्होंने डिस्कवरी की थी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की एंड इन रोल इन गैस्टेटिस एंड पैक्टिकल्सर डिजीज इन 2005। म्यूलर और फायर ने डिस्कवरी की थी आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग बाय डबल स्टैंडर्ड आरएनए 2006 में की थी। और मारियो आर कैपिची, ओलिवर साइथेसिस एंड सर मार्टिन जे इवांस, इन्होंने डिस्कवर किया था प्रिंसिपल ऑफ जीन मॉडिफिकेशन इन माइस बाय द यूज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल 2007। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड इवेंट्स। 1857 में जो लुईस पाश्चर थे, उन्होंने क्या देखा था, जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है वो किसके कारण से हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से हो रही है। 1881 में लुईस पाश्चर ने डेवलप की थी एंथ्रेक्स की वैक्सीन, और 1885 में रेबीज की वैक्सीन डेवलप की थी। 1887 में जो बचनर थे, उन्होंने डिस्कवर किया था यीस्ट एक्सट्रैक्ट फर्मेंट शुगर। 1921 में फ्लेमिंग ने लाइसोजाइम को डिस्कवर किया था, और 1923 में बर्गेस मैनुअल का फर्स्ट एडिशन आया था। 1929 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, और 1933 में जो रस्का थे, अर्नेस्ट रस्का, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, डेवलपमेंट की थी। 1935 में जो डोमायक थे, उन्होंने सल्फर ड्रग्स के बारे में बताया था, और 1937 में जो चेटोन थे, उन्होंने डिस्कवर किया, डिवाइड कर दिया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर। 1941 में बीडल और टेटम ने न्यूरोस्पोरा को यूज़ किया था म्यूटेशन को बताने के लिए, और उन्होंने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी बताई थी। 1943 में वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में बताया था। 1982 में रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को डेवलप किया गया था। 1986 में फर्स्ट वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव फॉर ह्यूमन यूज। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस्ड की गई है, उसको अप्रूव कर दिया था ह्यूमन यूज़ के लिए। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।